पंचायती चोणां ते हाईकोर्ट का वड्डा फैसला। करीब 250 पंचायतों की चोण ते पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने लाई रोक। हाईकोर्ट के फैसले ते आम आदमी पार्टी का बयान, कहा कोर्ट का फैसला राहत देने वाला, सिर्फ कुछ थावां ते रोकी है चोण, बाकी थावां ते उसे शेड्यूल मुताबक पैणगियां वोटां। दिल्ली च सील होई मुख्यमंत्री रिहायश, आम आदमी पार्टी ने लाए इल्जाम, क्या मुख्यमंत्री नूं अलॉट नहीं किया गया सीएम हाउस, एलजी ने बाहर कढ़वाया आतिशी का समान। सिद्धू मूसेवाला की मौत नूं लैके बीजेपी आगू तजिंदरपाल बग्गा का हैरानीजनक खुलासा, क्या ज्योतिष ने 8 दिन पहला ही मूसेवाला नूं दे दित्ती सी हमले की चेतावनी, देश छड्डन की दित्ती सी सलाह। नशे खिलाफ पंजाब पुलिस ने सूबे भर च चलाया ऑपरेशन कासो, नशे लिए बदनाम इलाकों की की रेड, पंजाब पुलिस के आला अधिकारी खुद ग्राउंड पर। कैप सेना होंगे पंजाब के नवे चीफ सैकटरी, अनुराग वर्मा की ली जगह 1992 बैच के IAS अधिकारी ने कैप सेना। पंजाब के राजस्थान के सरहदी खेतरों च बनेगी 2280 किलोमीटर सड़क, केंद्रीय कैबिनेट ने 4406 करोड़ रुपए किए मंजूर, गरीबों को दिसंबर 2028 तक मुफ्त मिलेंगे चावल। सत श्री अकाल, न्यूज 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह ब्राण, सत वाली खबर लैके दर्शकों के सामने हाजर हाँ। शुरुआत करते हाँ पंचायती चोणों तो। पंचायती चोणों लैके अज हाई कोर्ट के सुनवाई हुई, पूरा दिन ये सुनवाई चलती रही, 250 तो ज़्यादा पटीशन जड़िया ने वो हाई कोर्ट के हुण तक लगिया ने, तो जिन्या पटीशन लगिया सी उन्हां सारियां पटीशन वाली जगह पर पंचायती चोणों पर रोक ला दी गई है, यानी 250 तो ज़्यादा पिंडां दे विच चोणां नहीं होणगियां, क्योंकि 250 के करीब लोगों ने अदालत तक हुण तक पहुँच की सी। नामजदगी की प्रक्रिया से सवाल चके गए सी और होर बहुत सारे इतराज जिहड़े ने नॉमीनेशन नूं लैके वह हाई कोर्ट के सामने रखे गए सी, और उस तो बाद हाई कोर्ट ने सुनवाई करदियां इन्हां थावां ते चोणां ते रोक ला दित्ती है, पर बाकी थावां ते फिलहाल कोई रोक नहीं है, बाकी थावां ते चोणां उसे तरीके नाल होणगियां। अगले दिनों के होर बहुत सारिया पटीशन हाई कोर्ट के दाखिल होनगियां, यह भी सियासी पार्टिया के आगू दावा कर रहे हैं। श्रोमणी अकाली दल वालों कहा जा रहा है कि होर पटीशन लाइन च ने, जिहड़े दूजे पटीशनर से आम लोगों के उन्हां वालों भी कहा गया कि उन्होंने कोल भी 100-150 पटीशन लाइन च ने। कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग कह रहे हैं कि 60-70 के करीब पटीशन लैके वो हाई कोर्ट पहुँच रहे हैं, तो ऐसे में उम्मीद है कि कल भी वड्डे पद्धर से हाई कोर्ट च पटीशन पै सकदियां ने, पर फिलहाल जिन्या पटीशन पर सुनवाई हुई उसते हाई कोर्ट ने रोक ला दी, पर बाकी थावां ते चोणा उसे तरीके नाल होणगियां। आम आदमी पार्टी ने इसनों राहत भरिया फैसला करार दिता है, उन्होंने कहा कि सारी चोण प्रक्रिया हाई कोर्ट वालों रद्द नहीं की गई, नहीं रोकी गई, सिर्फ जिन्हां थावां ते किसी के इतराज से उन्हां थावां ते कोर्ट ने चोणा रोकिया ने। देखो जी, असी मानयोग हाई कोर्ट के गल ध्यान लैके आए कि इन दिनों के किस तरीके डेमोक्रेटिक मैनर्स जोड़े ने उन्होंने साइड के उत्ते रख के पंजाब की जी रूलिंग पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ आपके बंद छड़ के बाकी सारे नॉमीनेशन जी कैंसल करी जा रही है, उन्हें असी जी रूलिंग पार्टी के MLA के वालों की गई टिप्पणी कि असी आपका सरपंच बनावे और जेडे जिन्हों की कैंसल करके जेडे सरपंच पिंड डिमांड प्रेयर की साड़ी बेसिकली प्रेयर यह सी कि इन पिंड जे इलैक्शन ने स्टे की जा और इन पिंड लोकतांत्रिक तरीके बिल्कुल सही तरीके इलैक्शन करवाया जाए। हूँ जी गल है कि डाटा 250 के करीब पटीशन है, मतलब कि डिस्ट्रिक्ट वाइज थोड़े को पटीशन ने पंचा की लग्या सरपंचा की लग्या इन पटीशन दाखिल हुई हैं। बिल्कुल इतने 250-200 के करीब पटीशन जीडिया ने पहलों उन्होंने डायरेक्शन हो चुकी है, 250 पटीशन अज से और उम्मीद है कि 200-250 पटीशन कल भी होएगी और एक अखबार के डाटा के हिसाब न 10,000 तो उत्ते जो नॉमीनेशन ने वो कैंसल हुई ने, सो इन सारिया जो 250 पंचायतों ने इन्होंने इलैक्शन जो 15 अक्टूबर नहीं होएगा। अज के दिन 270 पटीशन एक कोर्ट के एक डिवीजन बेंच के अगे लगी
और तुसी देखो भी इस तरीके की धांधली हो रही है। लग रहा है कि सरपंची की चोण सरकार करवाना नहीं चाहती, सरपंचियां ते अपने चहेतियां नूं धक्के नाल काबज़ करवाना चाहते हैं। जिथे ऑलरेडी साडे नॉमीनेशन पेपर एक्सैप्ट होकर चोण निशान अलॉट हो, चोण निशान अलॉट होने तो बाद रिवाइज लिस्ट रात को 10 बजे कढ़ी जाती है। देखो पहला नॉमीनेशन फाइल होए, फिर स्क्रूटनी हुई, फिर विड्रॉल होया, फिर चोण निशान अलॉट होए। चोण निशान अलॉट होने तो बाद रात को 1:10 बजे आर ओ जिहड़ा कि उहदे अख्तियार खेत्र च ही नहीं हैगा, वह कढ़ ही नहीं सकता रिवाइज लिस्ट। उन्होंने कहा कि जी बाकी सारयां दे कागज़ रद्द ने, यह जिहड़ा आम आदमी पार्टी का इको है इहदे एक्सैप्ट ने। और यही हाईकोर्ट के अज विचारिया गया कि जे पिंड च 14 बंदयां ने कागज़ भरे, एक जिहड़ा MLA का खास है जिन्हों सरपंच बनाउणा है उहनूं छड्ड के बाकी 13 दे रिजैक्ट, मतलब 13 नूं कागज़ नहीं भरने आउंदे, इह किद्दां हो सकदा? इस तरीके दीआं धांधलियां जदों कोर्ट दे विच नहीं, इलैक्शन प्रोसैस स्टे नहीं हुंदा, पर जदों इस तरीके दीआं धांधलियां और इलैक्शन कमिश्नर की कारगुजारी ते सवाल उठे, फिर हाईकोर्ट ने अज 270 केसां विच अज स्टे ऑर्डर पास किया। ਪਰ ਗਿੱਦੜਬਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈਆਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 22 ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਦੁਬਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਗਿੱਦੜਬਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 67 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਉਹੀ ਵਕੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਅ ਕਰਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਬੜਾ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿੱਟ ਤੇ ਇਹ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 13,237 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ ਨੈਚੁਰਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ 13,237 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀਆਂ 150-200 ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਖਬਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ 14 ਤਰੀਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਫਰਦਰ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖੇਗੀ। ਦੇਖੋ ਹਾਈ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਉਮੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸਟੇਅ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਐਗਜੈਕਟ ਫਿਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ, 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਟੇਅ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ? ਹੁਣ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਾਇਰ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਸ ਨੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਦੀ ਗਲਤ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਜਾਂ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡਸ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਸਟ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੀ ਲਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅੰਡਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨੇਬਲ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਊਏਵਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਉਹ 14 ਤਰੀਕ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ 15 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 14 ਤੱਕ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਨ ਮੇਨਟੇਨੇਬਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਰਟ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 14 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਵੀ ਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ 2 ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ
नजर आए ने एक्शन दे विच मोहाली दे 11 फेज थाने पहुंचे ने और अचानक मोहाली दे 11 फेज थाने दा दौरा किया है पंजाब दे डीजीपी गौरव यादव ने एसएचओ मुंशी रूम उस दे विच गए ने दौरा किया गया है पंजाब दे डीजीपी वालों मोहाली दे फेज 11 थाने दा अचानक पहुंचे ने पंजाब दे डीजीपी अज पुलिस वालों पूरे सूबे दे विच ऑपरेशन कासो चलाया गया सी वख-वख थावां ते नशे नू लै के रेड्स कीतियां गईयां सी पूरे पंजाब दे विच ऑपरेशन कासो चलिया है और हुण देर शाम अचानक पंजाब दे डीजीपी 11 फेज पुलिस स्टेशन पहुंचे ने तस्वीरां दिखा रहे हां इत्थे की काम हुंदा जी अच्छा महिला मित्र जिहड़े अच्छा ते तुहाडा किन्ना वर्कलोड किन्ना हुंदा जी साडी 4-5 बसां आ गईयां ते दस्या नहीं है अच्छा जी अच्छा ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੀਆਂ 11 ਫੇਸ ਥਾਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਆਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਸਸੀ ਗੱਲ ਸਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ ਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਉਹ ਵਿਦ ਇਨ ਫੈਮਿਲੀ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰ these are barracks apni posted strength kitni hai thane di 22 yes average apne thaniyan di kitni strength hodi 20 25 maximum thane to sir 37 thane kitne total 21 thane thane kafi hai matlab which means ki je 25 la lo to hardly 600 mulazim hoga 5-600 apne thaniyan se sir so this needs improvement yahan pe sare pensioners ka room special banaya hai sir काइंड ऑफ मतलब दफ्तर जा हो गया अपना अच्छा हाँ जी वेरिफिकेशन वाला जो सो पीपल कम टू सांझ केंद्र वी कैन टेक अ लुक देयर एवरेज अपने कितने कंप्लेंट्स आते हैं हर दिन से कितना सर 10 टू 11 टेनेंट हम ले रहे अच्छा 25 तो 26 डीडीआर में तो डीडीआर इतने मतलब ऐसे कर दें या थाने नहीं जाना पड़ना उन्हें लॉस्ट आर्टिकल दी अच्छा तो जो यूआईडी वगैरह तुम देंगे हो जो और इतने कोई महिला मित्र होर भी अपना विमेन डेस्क नहीं है कि जी हाँ जी इंस्पेक्टर साहब थोड़ी कितने पोस्टिंग है अच्छा जी एसएचओ मटौर इतने की काम होता जी अच्छा महिला मित्र जो अच्छा तो थोड़ा कि वर्कलोड कि होंगे अच्छा जी अच्छा तो पंजाब दे डीजीपी गौरव यादव पहुंचे ने मोहाली दे फेज 11 थाने दे विच हालांकि मोहाली दे फेज 11 थाने दी इमारत काफी अच्छी है पिछले समय दे विच नवा पुलिस स्टेशन बनया सी और उस थाने दे विच सांझ केंद्र बनया होया सांझ केंद्र दा भी दौरा डीजीपी गौरव यादव वालों किया गया पूरी जानकारी उन्होंने हासिल की तस्वीरां दे विच सुनाई भी दिंदा कि वह महिला मुलाजमान के नाल थाने के मुंशी के नाल उन्होंने पूछ रहे हैं कंप्लेटा किनिया ने होर जिहड़े पुलिस के सीनियर अफसर उस वेले मौके पर पहुंचे डीजीपी के आने बाद उन्होंने पूछा गया कि मोहाली के टोटल किन्ने थाने ने एक थाने के कितना स्टाफ है करीब करीब जो जानकारी उस डीजीपी को दी गई कि 600-650 के करीब मुलाजम मोहाली के थाणियां दे विच मौजूद ने जिहड़े मोहाली के थाने ने एक थाने के 20-25 का स्टाफ है और उस तरीके करीब करीब 600-650 मुलाजम जिहड़े ने वह मोहाली के थाणियां दे विच तैनात ने और पूरे कामकाज बारे कि किस तरीके कितनियां कंप्लेंट्स आउंदियां ने उन्हां कंप्लेंट्स नूं कौन कौन डील करदा है जिहड़ा सांझ केंद्र ने सांझ केंद्र दे विच किहड़े किहड़े केसां दी जिहड़ी शिकायत है वह लई जांदी है और सांझ केंद्र बनाए भी इसलिए गए सी कि बहुत वारी खास करके जिहड़ियां महिलावां हुंदियां ने वो पुलिस स्टेशन जाण तो कतराउंदियां ने इस करके एक स्टाफ जिहड़ा तैनात किया जाता है सांझ केंद्र दे विच उसनूं नाम दिता जाता है महिला मित्र दा महिला मित्र यानी महिला स्टाफ हुंदे ने और वो जे किसी महिला की कोई शिकायत है तो उस बाबत डीडीआर लिख लेंदे ने कार्रवाई अगे पुलिस ही करती है पर उसनूं पुलिस थाने दे विच बैठ के अपनी कंप्लेंट नहीं लिखाउणी पैंदी इसे करके सांझ केंद्र बने सी और उसे सांझ केंद्र का निरीक्षण आज डीजीपी गौरव यादव वालों किया गया मनोज राठी साढ़े सहयोगी जुड़े ने फोन लाइन से होर जानकारी दे लई मनोज कोई खास वजह सी इस अचानक विजिट दी देखो विजय अज
गौरव यादव वालों डीजीपी जिहड़े ने अज एक तो कासो चल रहा है कॉन्टेनमेंट सर्च ऑपरेशन पूरे पंजाब दे विच हालांकि 11 थाने नहीं बल्कि डीजीपी गौरव यादव बलौंगी एरिया दे विच भी पहुंचे थे और बलौंगी एरिया दे क्योंकि काफी उत्थे माइग्रेट रहिंदे काफी कंजस्टेड एरिया है अचानक जिहड़ा उन्हां दा दौरा होया है और उस तो बाद बलौंगी जद पहुंचे थे क्योंकि उत्थे जिहड़े पीजी ने जिहड़े रेंट एकोमोडेशन ते रहिंदे ने उत्थे भी उन्होंने जिहड़ा हैगा अपने सीनियर अधिकारियों के नाल जिहड़ी भी डीआईजी मैम सीगे उत्थे एसएसपी सीगे सारे मौजूद सीगे ते अचानक उत्थे भी पहुंचे सीगे डीजीपी गौरव यादव उस तो बाद 11 पुलिस स्टेशन पहुंचे हालांकि उन्हां दा मकसद यही सी कि किस तरह जिहड़ा वर्किंग है पुलिस स्टेशन क्योंकि देखो मोहाली जिले की असीं गल कर लीए काफी जिहड़े हाईटेक किते होए ने पुलिस स्टेशन और हर पुलिस स्टेशन दे विच जिहड़ा सांझ केंद्र भी बनाया गया अज हालांकि पुलिस स्टेशन 11 फेज तो पहला वो बलौंगी पहुंचे सी और बलौंगी पहुंच के उन्होंने पूरा इंस्पैक्शन किया जिहड़े जिहड़े पीजी ने उन्होंने इंस्पैक्शन जिहड़ी किस तरह चल रही है किस तरह सर्च ऑपरेशन चल रहा है और उस तो बाद सीधा वो 11 फेज पुलिस स्टेशन पहुंचे थे और गौरव यादव वालों जिहड़ी जानकारी दी गई है कि खास तौर पर जिहड़े महिला मित्र सांझ केंद्र बनाए गए ने उहदे भी सांझ केंद्र दे विच किस तरह का काम चल रहा है और हालांकि वर्कलोड तो बिल्कुल पंजाब के मोस्टली थाणियां च हैगा हुण तुसीं देखो अंदाजा लाओ 650-700 के करीब जिहड़े सारे थाणियां दे विच मोहाली के जिन्ने भी थाने ने उहदे विच जिहड़ी एवरेज कढ़ीए तां 25-30 तो जिहड़े हैगे स्टाफ हैगा लेकिन जिहड़ा वर्कलोड है वो किते ना किते ज्यादा जरूर सुनने नूं मिलदा है कि किस तरह क्योंकि काफी ज्यादा क्योंकि ट्राइसिटी का पार्ट होण करके काफी चीजों का वर्कलोड जिहड़ा है वध गया चाहे वह कई घटनावां जिहड़ी हैगी है वो सामने आई हैं और यही मकसद सीगा डीजीपी गौरव यादव का कि किस तरह जिहड़ा वर्किंग चल रही है क्योंकि 11 फेज थाणा जिहड़ा हैगा पहुंचण दा बलौंगी तो बाद सीधा 11 फेज क्योंकि बिल्कुल 11 फेज चंडीगढ़ के नाल लगदा पुलिस स्टेशन जिहड़ा हैगा वो पैंदा बिल्कुल 11 फेज का जिहड़ा चंडीगढ़ के नाल 11 फेज हैगा 11 फेज भी बहुत वड्डी कलोनी एरिया हैगा और काफी उत्थे फ्लैट ने सोसाइटी ने उत्थे काफी चीजों का जिहड़ा हैगा देखने को मिल रहा है इस करके अज अचानक जो निरीक्षण किया गया और सीनियर अधिकारी उन्होंने नाल जिहड़े सीगे और उन्होंने पूरा सांझ केंद्र उस तो बाद मुंशी नूं जिहड़ा हैगा उहदे नाल भी गलबात की है किन्ने केसिस जिहड़े आ रहे ने किस तरह के केसिस आ रहे ने ज्यादातर जिहड़े पैटी क्राइम्स ने उस एरिया दे विच या फिर किस तरह स्नैचिंग दे लूट दे कि अज का जिहड़ा कासो ऑपरेशन चलाया गया है विजय उहदे विच मेन मकसद की सी मेन मकसद यही सी कि जिहड़े भी केसिस ज्यादातर अजकल पंजाब च आ रहे चाहे वो स्नैचिंग की हो चाहे वो लुट की वारदाता हो चाहे वो जिहड़ी होर भी जिहड़े ठगी के मामले हो चाहे वो टेनेंट वेरीफिकेशन की गल हो चाहे वो पीजी जिहड़े बाहर तो आके क्राइम करके इतों लोग जाते हैं वह चीजा यह सारी चीजों लैके जिहड़ा अज कासो ऑपरेशन का मेन मकसद यही सी और जिहड़ा हॉटस्पॉट एरिया भी आइडेंटिफाई किया गया सीगा जिहड़े वड्डे ड्रग स्मगलर ने जिहड़े वड्डे नशा तस्कर ने जिहड़े पिछले दिन फड़े गए ने उन्होंने एरिया किस तरह का उन्होंने एरिया के नाल नाल होर जिहड़ी चीजों को लैके जिहड़ी है उन्हों का अज मकसद यही सीगा इस करके अचानक जिहड़ा 11 फेज के थाने में पहुंचे थे और सारी चीजा का जिहड़ा हैगा वो जायजा भी लिता गलबात भी की। अच्छा मनोज कोई कमियां पेशियां भी पाई गई देखो फिलहाल उन्होंने गलबात की है जिहड़े स्टाफ के नाल और मुंशी पूरा एक जिहड़ा उन्हों का पूरा एक रजिस्टर होंदा है जिहदे विच जिन्नी भी क्राइम रिपोर्ट डेली होंदी है या डीडीआर जिहड़ी कढ़ी जांदी है या फिर किन्ने एक मामले जिहड़े हैगे दर्ज किस तरह के मामले सामने आ रहे हैं लेडीज जिहड़ी बैठी है उन्हां नाल गलबात की गई आ कि तुसीं किस तरह पहुंचे हो की कंप्लेंट है तुहाडी तुहाडी सुनवाई हो रही है नहीं हो रही है क्योंकि ये काफी कह सकते हैं कि पूरी चीजों लैके जी है गलबात भी की उसे जी यानी यह कह सकते हैं भी एक मैसेज देने की कोशिश है कि पुलिस अलर्ट रहे कि किसी वेले भी बड़े अफसर आ सकते हैं बिल्कुल 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 और अज दो बारी होया बिल्कुल दो बारी होया अज बलौंगी एरिया जब अचानक उसे पहुंचे थे उस तो बाद सीधा 11 पुलिस स्टेशन पहुंचे और अचानक उन्होंने जरा औचक निरीक्षण किया तो कह सकते हैं कि कदे भी किसी भी टाइम और यही है कि मोहाली जिले के किसी भी पुलिस स्टेशन पंजाब के किसी भी जिले उन्होंने। अच्छा मनोज मैं तुम्हें रोकना चाहूंगा साढ़े नाल 11 फेज के SHO जुड़ गए ने गगनदीप सिंह गगन जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 18 पंजाब से तस्वीर असी देख पा रहे हैं DGP पंजाब अचानक आते ने थाने दे विच सो तुहानू पहला पता सी या एक सरप्राइज विजिट सी ये नहीं सर रूटीन सी असी अपने थाने ड्यूटी कर रहे थे जी जो रूटीन साडा वर्क आउट है जी। अच्छा की गलबात हुई की कुछ उन्होंने कुछ जानिया चेक किया या कोई ऐसियां सर्विसेज जिन्हां नू उन्होंने सुझा दिता होवे कि दुरुस्त करन दी लोड़ है। हाँ जी सर उन्होंने वालों मानयोग DGP साहब वालों सानू हदायतां कीतीआं थाने दी वर्किंग रिगार्डिंग कुछ पूछा गया ते बाकी अपने वालों सानू गाइडेंस दित्ती गई अपना तजर्बा दिता गया कि की कुछ कमियां हैगीआं ते की कुछ पूरियां करनियां चाहीदियां ते लाइक क्राइम कंट्रोलिंग लई उन्होंने सानू गाइडलाइनस कीतीआं हैगीआं जी ते होर जो हदायतां हैगीआं थाने दे मुताबिक उह करके गए ने सर। किन्ना कु स्टाफ गगनदीप जी अपने कोल इत्थे हुंदा है अमूमन एक पुलिस थाने दे विच
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਐਵਰੇਜ 22-24 ਜਣੇ 22 ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਐਵਰੇਜ ਇੰਨੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਆਏ ਸੀ ਡੀ ਜੀ ਪੀ? ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਧੰਨਵਾਦ ਗਗਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ ਇਹ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਨੋਜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਅਲਰਟ ਮੂਡ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਵੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੈਠੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਰ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਮੁਨਸ਼ੀ ਸਟਾਫ ਹੈ ਜੀ? ਮੁਨਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ? ਕੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਕੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵਿਦ ਇਨ ਫੈਮਿਲੀ? ਹਾਂ ਜੀ, ਯੈਸ ਯੈਸ। ਦੀਜ਼ ਆਰ ਬੈਰਕਸ। ਆਪਣੀ ਪੋਸਟਡ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਥਾਣੇ ਦੀ? 22 ਸਰ। 22? ਐਵਰੇਜ ਆਪਣੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੁੰਦੀ? 20-25। ਮੈਕਸਿਮਮ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸਰ 37। ਥਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ? 21 ਥਾਣੇ। ਥਾਣੇ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜੇ 25 ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਹਾਰਡਲੀ 600 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਊਗਾ, 500-600 ਆਪਣੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਸੋ ਦਿਸ ਨੀਡਸ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ। ਕਾਇੰਡ ਆਫ ਮਤਲਬ ਦਫ਼ਤਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਪੀਪਲ ਕਮ ਟੂ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ, ਵੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਅ ਲੁੱਕ ਦੇਅਰ। ਐਵਰੇਜ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਹਰ ਦਿਨ? ਕਿੰਨਾ ਸਰ? 10-11 ਟੈਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ 25-26 ਡੀ ਡੀ ਆਰ। ਤੇ ਡੀ ਡੀ ਆਰ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਥਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਡੀ ਡੀ ਆਰ ਦੀ ਲੋਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਦੀ? ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂ ਆਈ ਡੀ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਨੀ? ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਮੈਨ ਡੈਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਹੈ? ਮੈਂ ਐਸਐਚਓ ਮਟੌਰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚਓ ਮਟੌਰ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਅੱਛਾ, ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਵਰਕਲੋਡ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 4-5 ਬੱਸਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।